बेटियों की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं से देश के बेटियों को काफी मदद मिली है। अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने यहाँ बेटियों के लिए योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना चर्चा में है। दरअसल बीते 2 नवंबर को सीएम शिवराज ने लड़कियों की हाई एजुकेशन और आत्मनिर्भरता के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत पहली बार 2007 में की गई थी। ये योजना लड़की के जन्म होने पर पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। इस बार योजना की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना 2007 में शुरू होने के बाद से बहुत लोकप्रिय हो गई और वर्तमान में राज्य में 43 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी हैं। इस अवसर पर चौहान ने 1477 लाडली लक्ष्मी योजना लाभार्थी लड़कियों के बैंक खातों में कुल 1.85 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए ताकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के लाभ इस प्रकार है। योजना के तहत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। रजिस्टर्ड बालिका को क्लास 6 में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपए, 9th में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपए, 11th और 12th में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। लाडली बालिकाओं को क्लास 12th के बाद के बैचलर या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लाडली बालिकाओं की हाई एजुकेशन के लिए टीचिंग भी शासन देगी। जब बालिका 21 साल की उम्र पूरी कर लेगी और जो सरकार ने शादी की उम्र निर्धारित की है उसके अनुसार उसकी शादी होने पर उसको तय धनराशि दी जाएगी। अगर कोई बालिका इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो इस योजना के लिए उसकी पात्रता इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, बालिका 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मी हो। दूसरा, बालिका स्थान या आंगनवाड़ी केंद्र से पंजीकृत हो। तीसरा, उसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। और चौथा और आखिरी, उसके माता पिता आयकर दाता ना हो। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।